हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जुल थॉमसन प्रभाव। तो ये हमारा है 11th 12th बीएससी एमएससी का टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं जुल थॉमसन इफेक्ट। तो बोला जा रहा है कि वैक्यूम में गैस के फ्री एक्सपेंशन के जुल्स एक्सपेरिमेंट में यह पाया गया कि यदि गैस आइडियल गैस हो या विशेष अवस्थाओं में आइडियल गैस की तरह बिहेव करता हो तो प्रसार या एक्सपेंशन में गैस के टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बोल रहा है। और क्या बोला जा रहा है कि कुछ समय पश्चात जूल एवं थॉमसन ने पाया कि संपीड़ित वास्तविक गैसों, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंप्रेस्ड रियल गैस को किसी सरंध्र डॉट या पोरस प्लग से होकर निर्वात वैक्यूम या कम दाब लो प्रेशर क्षेत्र में एडियाबेटिकल एक्सपेंशन या रुद्धोष्म प्रसार बोला जाता है कराया जाए तो अधिकांश गैस में इसके ताप में कमी आती है। मतलब हमारा रुद्धोष्म प्रसार हो रहा है तो उसके ताप में कमी आ रही है। ताप में यह कमी दोनों ओर के दाबों में अंतर पर निर्भर करती है कि पहला में क्या है हमारा P1 है, दूसरा में P2 है। तो दोनों के जो अंतर होता है P2-P1 या P1-P2, तो वही दाबों में अंतर के अधिक होता है, बोल रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, जो वास्तविक गैस है हमारा रियल गैस जिसको बोलते हैं, रियल गैस में ताप में यह कमी डिक्रीज या कूलिंग इनके अणुओं या परमाणुओं एटम्स या मॉलिक्यूल के मध्य कार्यरत अंतराणुक आकर्षण बल जिसको बोलते हैं इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण होता है। ठीक, गैस के प्रसार के दौरान गैस को इस आकर्षण बल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है जो इसके आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी के व्यय पर होता है। ठीक, परिणामतः क्या बोल सकते हैं हम कि इसके ताप में कमी टेम्परेचर, मतलब कि ताप में कमी आती है, यहाँ पे भी बोला गया था, यहाँ पे भी बोला जा रहा है। आदर्श गैस आइडियल गैस में आकर्षण बल कार्य नहीं करते, अतः कूलिंग इफेक्ट प्राप्त नहीं होता है। कुछ गैसों जैसे कि हमारा है हाइड्रोजन, हीलियम में समान परिस्थितियों में ताप में वृद्धि टेम्परेचर इंक्रीज होती है। तो इस थ्योरी का जो है कुल मिलाकर क्या बोला जा रहा है कि हमारा जो आइडियल गैस होता है उसमें क्या हो रहा है, कूलिंग मतलब कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, और ये दो जो गैस है हाइड्रोजन और हीलियम उसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज मतलब कि हीटिंग प्रोसेस होता है। तो हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा हम बोल सकते हैं सभी जो गैस है लगभग सभी क्या होते हैं, कूलिंग इफेक्ट शो करते हैं, शीतलन प्रभाव जिसको बोलते हैं। तो इस थ्योरी का मतलब आगे हम देखते हैं कि डायग्राम से क्या क्या और बोला जा रहा है। अगर थ्योरी लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो सीधा यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, अब क्या बोला जा रहा है देखते हैं कि माना एक गैस आयतन V1, दाब क्या है P1, टेम्परेचर T1 है, ये वाला पहला जो डायग्राम है, को निम्न चित्र में दिखाए ऊष्मारोधी दीवार वाले नली के बाई ओर के क्षेत्र से दाई ओर में सरंध्र डॉट पोरस डॉट से होकर गुजारा जाता है। ठीक है, मतलब ये देखो फर्स्ट से सेकेंड में हम जाएंगे बोला गया है। तो क्या हो रहा है, माना प्रक्रिया के पश्चात, मतलब ये तो पहला वाला प्रक्रिया है, ये दूसरा वाला प्रक्रिया है हमारा। तो प्रक्रिया के पश्चात दाई और राइट साइड के क्षेत्र में गैस का प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 एवं टेम्परेचर T2 हो जाता है। पहला क्या था, P1, V1 और T1 था। प्रक्रिया जो हमारा प्रोसेस होने के बाद क्या हो जा रहा है, P2, V2 और T2 हो जा रहा है, ये हुआ। तो जो उपयुक्त प्रक्रम है, दो घर्षण रहित फ्रिक्शनलेस पिस्टनों L एवं R की सहायता से कराई जाती है। अब ये पिस्टन कहाँ पे है, देखो ये लेफ्ट है और ये राइट, ये लेफ्ट ये राइट, ये दो पिस्टन लगे हुए हैं। तो और इस संपूर्ण जो आपका टोटल जो प्रोसेस हो रहा है वो क्या हो बोला जा रहा है, ऊष्मारोधी। ऊष्मारोधी को क्या बोलते हैं, इंसुलेटेड बोलते हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा प्रोसेस क्या हो रहा है, इंसुलेटेड हो रहा है, ऊष्मारोधी हो रहा है। तो ऊष्मारोधी हो रहा है मतलब कि हमारा डेल क्यू क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। ऊष्मारोधी में तो यही है ना, रुद्धोष्म प्रसार या ऊष्मारोधी में मतलब कि हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, यही है। तो आगे क्या होगा फिर देखो, और यहाँ पे लिख लेना कि ये जूल थॉमसन सरंध्र डॉट प्रयोग या पोरस प्लग आपका एक्सपेरिमेंट है। ठीक, अब बस यही बोले हैं यहाँ पे कि पहले टेम्परेचर आपका T1, वॉल्यूम V1 और प्रेशर P1 है, बाद में ये क्या हो जाता है, P2, V2 और T2 हो जाता है।
ये हुआ। अब आगे देखते हैं, देखो यही है कि हमारा रुद्धोष्म प्रसार या उष्मरोधी बोला जाता है, तो डेल क्यू इज क्या हो जाता है हमारा, जीरो होता है, यही है। अब क्या बोल रहे हैं, जो लेफ्ट साइड के क्षेत्र की संपूर्ण गैस को हम अगर पोरस प्लग से राइट साइड के क्षेत्र में गुजारने पर किया गया कार्य क्या हो रहा है, तो यहाँ पे किया गया कार्य क्या हो जाएगा आपका, किया गया कार्य क्यू तो पता चल गया कि जीरो होगा, अब किया गया कार्य क्या होगा उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो किया गया कार्य क्या कर सकते हैं हम, दो पिस्टल लगे हुए हैं लेफ्ट राइट, तो उसमें कितना कार्य करना पड़ रहा है उसको निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि माना कि हमारा जो वॉल्यूम है भी वन से जीरो हो जाता है, देखो पूरा प्रोसेस में आपको क्या करना है, भी वन से भी टू में जाना है। क्यों जाना है, क्योंकि हमारा पहला यहां था भी वन और ये हो रहा है भी टू, तो भी वन से भी टू मतलब कि आयतन चेंज हो रहा है, तो पूरा प्रोसेस के लिए हमारा ये वाला रहेगा। तो बट इसको हम क्या करेंगे, दो टाइप से करेंगे, हमारा पूरा प्रोसेस दो टाइप में करेंगे। पहला क्या करेंगे, हमें भी वन से भी टू जाना है, तो पहला में कर देते हैं भी वन से जीरो में जल ले जाते हैं, फिर क्या करेंगे जीरो से भी टू चले जाएंगे। तो पहला हमारा क्या हो जा रहा है यहाँ पे, ये देखो ये भी वन से जीरो हो जाता है, तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू, हम पढ़े हैं डब्ल्यू क्या पढ़ते हैं अभी तक देखे हैं, तो डब्ल्यू क्या बोलते थे, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल वी बोलते थे, या डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल वी ऐसा लिखते थे, ये हुआ। अब ये तो है हमारा, यहाँ पे लिख सकते हो डब्ल्यू वन इज इक्वल टू पी डेल वी। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर हम वन, तो इक्वेशन नंबर वन का क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं और लिमिट लगा देते हैं भी वन से, क्या लिमिट लगाएंगे हम जीरो करके। तो अब क्या हो जाएगा, देखो ये डब्ल्यू वन इक्वल टू क्या है, भी वन से हमारा जा रहा है जीरो में, और ये पी वन डेल भी ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो अब प्रेशर यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, तो प्रेशर को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, तो प्रेशर बाहर लिख दिए हैं देखिए। और किसका कर रहे हैं, वॉल्यूम का कर रहे हैं, वॉल्यूम भी वन से जीरो हो रहा है, तो वॉल्यूम का हम समाकलन कर देंगे। अब क्या होता है, देखो समाकलन वाला कैसे होता है, जो कांस्टेंट है बाहर आ गया, अब जो अंदर है उसका समाकलन होगा, तो क्या होगा, अब इंटीग्रेशन समाकलन करते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर वाला हमारा देखो ये जो है हमारा उसको ये डी और ये समाकलन कट जाएगा, जो इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब क्या बचा है, भी बचा है, तो भी को कोष्टक में ले लेते हैं हम, और क्या करेंगे, जो लिमिट लगा हुआ है उसको लिमिट लगा देते हैं, जो नीचे में लिमिट है उसको नीचे लिख देते हैं, और ऊपर में लिमिट है उसको ऊपर में लिख देते हैं, मतलब की लिमिट शो कर देते हैं। अब देखो इसका लिमिट शो करेंगे तो क्या कैसे लिखा जाता है उसको देखते हैं, कि इसको ये तो पी वन तो रहेगा ही रहेगा, तो इसका ये वाला सॉल्व करके देखते हैं क्या हो जाएगा। इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, कि अगर हमारा अपर लिमिट बाय लोअर लिमिट करते हैं, तो अपर लिमिट क्या है जीरो है, और लोअर लिमिट क्या है भी वन है, तो ये माइनस भी वन हो जाएगा। तो माइनस भी वन को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, कि माइनस माइनस को सामने में लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस पी वन भी वन हो जाएगा। तो ये हमारा डब्ल्यू का मान आ गया, क्या मान आ गया है हमारा, डब्ल्यू वन का मान आया है, ठीक है। ये इंटीग्रेशन समझ आ गया ना, क्या करेंगे अपर लिमिट बाय लोअर लिमिट करते हैं, या क्या बोलते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बोल सकते हो आप, मैं जो बाय में बोल रही हूँ अपर लिमिट बाय लोअर लिमिट, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना माइनस के रूप में, इसलिए ऐसा लिखा गया है। डब्ल्यू वन कैलकुलेट हो गया। अब आगे देखते हैं कि जो हमारा दाई ओर या राइट साइड के क्षेत्र में या फील्ड में गैस द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा। ये तो हमारा लेफ्ट साइड में था W1 वाला, अब राइट साइड में जो हमारा वर्क हो रहा है वो क्या होगा उसको सॉल्व करते हैं। अब देखो पहले में हम क्या लिए थे, पहले में हम लिए थे V1 से जीरो, अब क्या लेंगे जीरो से V2 लिमिट लेंगे, क्योंकि हमारा टोटल इसको क्या करवाना है, हमें V1 से V2 करवाना है, ठीक है। तो V1 से जीरो ले लिए हैं, अब जीरो से V2 लेंगे लिमिट को, ये हुआ। तो क्या हो जाएगा आपका, तो W का फार्मूला वही होगा कि W2 इज इक्वल टू P2 डेल V करके। अब लिमिट सो कर दिए हैं, क्या सो कर दिए हैं हमारा, जीरो से V2 किए हैं, ये हुआ। अब फिर से वही कोष्टक में करना है, V को अंदर लेना है, P को बाहर लेना है, और नीचे जो लिमिट है नीचे में लिख देंगे, ऊपर लिमिट है उसको ऊपर में लिख देंगे, ये हुआ। अब इसको सॉल्व करने के कैसे करेंगे, देखो ये सॉल्व कैसे होगा, अपर लिमिट बाई लोअर लिमिट, या अपर लिमिट बाई आपका माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा। तो ये प्लस में है कि नहीं, भी टू बताइए, तो प्लस में है, इसलिए यहाँ पे ये प्लस में आया है। और W1 क्या में था हमारा,
माइनस में था, ठीक है, तो माइनस में हुआ है वो। चलो तो ये देख लेते हैं हम। अब हम W1 निकाल लिए हैं, W2 निकाल लिए हैं, तो अब हमारा टोटल W का मान निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा W का मान? W हो जाएगा W1 प्लस W2, ठीक है। तो आप सीधा W इक्वल टू P1 V1 प्लस P2 V2 लिख सकते हो, या दोनों का मान यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो दोनों का मान पुट करते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है, ये वाला आता है कि नहीं, ये तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो हमारा W इक्वल टू क्या था, W1 क्या था, माइनस P1 V1 प्लस P2 V2, यही था, ठीक है। तो या तो ये लिख सकते हो या ये लिख सकते हो, दोनों को सॉल्व करेंगे तो सेम हमारा आएगा। तो देखते हैं, या तो सीधा प्लस में लिख सकते हो, या जो हमारा आया है W1 का मान माइनस में उसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या बोल रहे हैं, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या बोलता है उसको देखते हैं। हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या था, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू था। तो अभी हम यहाँ पे क्या माने थे, ऊष्मारोधी मतलब कि एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा था, तो डेल क्यू का मान क्या माने थे, यहाँ पे जीरो माने थे, तो इसीलिए यहाँ पे जीरो लिख दिए हैं। और डेल यू तो हमारा जीरो नहीं होता, तो डेल यू को जैसे है वैसे लिख देंगे, और डब्ल्यू आया है, ठीक है। तो एक को इधर राइट साइड भेज देते हैं डेल यू का मान को, और डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एक और या तो इसको भेज सकते हो या इसको भेज सकते हो। तो डब्ल्यू को हम क्या कर दिए हैं, दूसरे साइड में भेज दिए हैं, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, ये हुआ। अब क्या किए हैं, देखो ये वाला जो इक्वेशन था हमारा, इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं टू, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हो आप W का मान इक्वेशन नंबर टू में रखने पर, या इक्वेशन टू का मान यहां पे इक्वेशन थ्री में रखने पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर रखें तो कैसा होगा, देखो ये वाला रखें तो कैसा होता है उसको देखते हैं। ये टू है और इसको मान लेती हूं मैं ए, तो क्या हो जाएगा डेली। अब क्या करेंगे, देखो यहां पे या तो आप दो का मान रख सकते हो या एक का मान रख सकते हो, जो भी रखना है देखते हैं कैसे हो जाएगा हमारा। मान लो मैं इक्वेशन नंबर एक का मान इक्वेशन नंबर थ्री में रख रही हूं, तो क्या होगा, डेल यू इक्वल टू आपका ये माइनस डब्ल्यू है, तो माइनस डब्ल्यू का मान क्या था, पी वन भी वन प्लस पी टू भी टू था, ये हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये U है, तो ये तो हमारा माइनस माइनस था, वो प्लस में हो जाएगा P1 V1, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा P2 V2। तो आप इसका कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो इक्वेशन A का मान इक्वेशन 3 में रखने पर, या आप इक्वेशन 2 का मान भी अगर 3 में रखते हो तो यही सेम आएगा, ये हुआ। तो देखो ये सेम है ना हमारा, ये आ गया डेल यू इक्वल टू पी वन भी वन माइनस पी टू भी टू, ये हुआ। अब देखो हम एक चेंज बताते थे कि डेल यू जो हमारा था, डेल यू को कैसे लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, या क्या लिखते हैं, डेल यू इक्वल टू यू टू माइनस यू वन लिख देते हैं, ये सीधा फाइनल ना लिख करके टू और वन कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसके जगह हम ये लिख सकते हैं, और ये तो पहले से ही पी वन भी वन के रूप में है। तो अब क्या किए हैं, जो टू टू वाला था हमारा उसको एक साथ कर दिए हैं, तो देखो यू टू प्लस, ये माइनस में था, इधर लेफ्ट साइड आकर वो प्लस में हो गया, ये हुआ। अब देखो U1 को इधर ले जाएंगे राइट साइड में, तो ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, तो U1 प्लस P1 भी वन हो जाएगा। अब इसके जगह हम एक एंथैल्पी पढ़े थे, याद करिए एंथैल्पी क्या होता था, U प्लस P भी होता था। तो अगर हम H2 करें तो U2 प्लस P2 भी टू, और H1 करें तो U1 प्लस P1 भी वन होता है ना। तो अब देखो आप, हम तो ये निकाले हैं, तो ये क्या है हमारा H2 है, और ये क्या है हमारा H1 है, तो इसलिए H2 और H1 यहाँ पे पुट कर देंगे। अब एक को दूसरे साइड ले आते हैं, दोनों को एक साथ रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा H2 माइनस H1 हो जाएगा। तो H2 माइनस H1 को हम क्या से शो करेंगे, डेल से शो करेंगे, क्योंकि ये आपका परिवर्तन चेंज दर्शा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा H2 माइनस H1 इजुगस टू डेल H हो जाएगा। तो डेल H इजुगस टू क्या हुआ, जीरो हुआ, क्योंकि राइट साइड में हमारा जीरो कुछ नहीं है तो जीरो रखेंगे। तो यहाँ पे कुल मिला के जो जूल थॉमसन हम पढ़ रहे हैं, वो एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है, वहां पे कॉन्स्टेंट होता है, उसको प्रूव करना था हमें। तो हमारा ये हो गया। अब इसको वर्ड में कैसे लिखेंगे उसको देखते हैं, अर्थात संपूर्ण प्रोसेस में एंथैल्पी परिवर्तन या एंथैल्पी चेंज जीरो होता है। दूसरे शब्दों में हम कैसे बोलेंगे, गैस के रुद्धोष्म प्रसार
एडियाबेटिक प्रोसेस में सिस्टम की एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, अतः जुल थॉमसन प्रभाव या जुल थॉमसन इफेक्ट एक सम एंथैल्पिक प्रोसेस है या आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस बोलते हैं, परंतु अधिकांश गैसों में इसके ताप में कमी होती है जो जुल थॉमसन प्रभाव या जुल थॉमसन इफेक्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है हमारा, जुल थॉमसन प्रभाव क्या है समझाइए, या जुल थॉमसन प्रभाव में कौन सा आपका सम एंथैल्पिक होता है कि सम एंट्रोपिक प्रोसेस होता है उसको पूछता है। तो क्या प्रोसेस है हमारा, सम एंथैल्पिक या आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस है। तो ये हो गया हमारा वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जुल थॉमसन गुणांक के बारे में। धन्यवाद।